दोस्तों रियलिस्टिक सनलाइट रेज फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो वो भी मोबाइल से ही। और मैंने उठा था ये फोटो कैनन 200D Mark II से, और वो फोटोशूट ब्लॉग नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। चलो मैंने कैसे एडिट किया बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को कलर्स मिला लेना होगा लाइट रूम पे। चलो इस फोटो को एडिट करने वाले हैं, शेयर पे दबा लेना है आप लोग को, उसके बाद एडिट कर देना है लाइट रूम पे, ऊपर से स्क्रॉल कर देना है, इसमें घुस जाना है, जो फोटो है उसमें घुस लेना है, ये है। अभी आप लोग को लाइट पे दबा देना है, हाईलाइट को कमा देना है थोड़ा सा, शेडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और वाइट को थोड़ा सा कमाएंगे और ब्लैक्स को थोड़ा बढ़ाएंगे, देख सकते हो। उसके बाद कलर्स पे दबा देना है। वाइब्रेंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके बाद टीन को थोड़ा सा कमाएंगे, उसके बाद मिक्स पे दबा देना है आप लोग को। ऑरेंज पे दबा के सेचुरेशन को थोड़ा सा कमाएंगे, 24 कर दिया, ल्यूमिनेंस को थोड़ा बढ़ाएंगे, उसके बाद वे को थोड़ा सा कमा देते हैं, येलो पे दबा देना है, वाई को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सेचुरेशन कमाएंगे, ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा कमा देते हैं इतना। उसके बाद ग्रीन पे जाके वाई को बढ़ाना होगा थोड़ा, इतना बढ़ा देते हैं और सेचुरेशन थोड़ा सा कमाएंगे और लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ाएंगे या कमाएंगे, थोड़ा सा कमा देते हैं इतना काफ़ी है। उसके बाद ब्लू पे दबा देना है, वाई को कमाएंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और स्काई ब्लू पे दबा के वाई को थोड़ा सा कमा देते हैं, डन कर देना है। इफेक्ट पे दबा देना है, टेक्सचर को थोड़ा सा कम करेंगे, उसके बाद डिटेल्स पे दबा के शार्पनेस को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, मास्किंग को पूरा बढ़ा देते हैं, कलर नॉइस रिडक्शन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ना काफ़ी है। और लाइट पे जाना है, कर्व पे जाना है ऊपर, इसमें तीन डॉट बनाना होता है, मैं स्पीड करके दिखा देता हूँ। ब्लू कलर का नीचे कर देना है, अभी ग्रीन पे दबा देना है, ग्रीन का भी ऐसे ही स्पीड करके दिखा देता हूँ, ऐसे ही है। इसका थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे ना, काफ़ी है। उसके बाद रेड पे दबा देना है, रेड का भी स्पीड करके दिखा देता हूँ, रेड का थोड़ा सा आप करेंगे, इसका भी थोड़ा सा आप हो गया, ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है फोटो के हिसाब से, ये हो गया। अभी वाइट का थोड़ा सा मिलाएंगे, वाइट का चार ठो डॉट बनाना होता है, दिखा देते हैं आप लोग को। चार ठो डॉट हो जाने के बाद ये नीचे वाला आप कर देना है, थोड़ा सा आप करेंगे, इतना काफ़ी है, डन कर देना है। अभी आप लोग को स्नैपशीट पे जाना है, स्नैपशीट पे आप लोग को सनलाइट रेज कैसे एडिट करना है वहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी स्नैपशीट पे घुसा और पेंसिल आइकन पे दबा देना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आप लोग को विंटेज मिलेगा, इसमें दबा देना है, इसके बाद इसको ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो करने के बाद दबा के नीचे इनर ब्राइटनेस इसको बढ़ा देने से हो जाएगा, इसको बढ़ा देते हैं इतना तक। ये राइट चिन दबा देना है नीचे, उसके बाद ऊपर दिख रहा है, ऊपर में दबा देने के बाद व्यू एडिट पे दबा देना है, उसके बाद विंटेज पे दबा देना है, 20 में दबा देना है, उसके बाद आँखों में आई पे दबा देना है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे दबा देना है। ये हो जाने के बाद इसका ऐसे करके रिमूव करना है और नीचे भी ऐसे करके, उसके बाद जूम कर लेना है फोटो को,
जहाँ जहाँ शक्ल और ड्रेस है उसको ऐसे करके रिमूव कर लेना है हम लोग को। मैं कर लेता हूँ स्पीड। अभी आई बटन पे दबा देना है, देख सकते हो ये हो गया। इसके बाद राइट सीन दबा देना है आप लोग को, ये डन हो गया। तो आप लोग को ऐसा जगह ढूंढ लेना है ये फोटो को उठने के लिए जहाँ से एक ही जगह से धूप आ रहा है, तभी आप लोग ये कलर करेक्शन कर सकते हो ऐसा एडिटिंग। तो ये एडिटिंग कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें, और ये वाला वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं आप लोग।